मिस्ट्री फाइल्स में देखिए अजब गजब रहस्य, कुत्तों के लिए शापित ये स्थान, एकाएक हो रहे कुत्तों की आत्महत्या के लिए मशहूर ये जगह। क्या बताना चाहती है ये जगह? कुछ लोगों को ये मजाक लगेगा, लेकिन इसमें रहस्यमय सच्चाई है। आज देखिए ओटन ब्रिज और वहां के रहस्य के बारे में। स्कॉटलैंड के डरबटन के नजदीक एक गांव है मिल्टन। यहाँ एक ब्रिज है जो कुत्तों को आत्महत्या के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। 60 के दशक से आज तक इस ब्रिज से कूदकर करीब 600 कुत्ते आत्महत्या कर चुके हैं। 1859 में बने इस ब्रिज का नाम ओटन ब्रिज है और 1950 से 1960 के दशक में इसे पहली बार कुत्तों की आत्महत्या को लेकर नोटिस किया गया था। इस ब्रिज से कुत्ते बिना किसी कारण के अचानक कूद जाते थे और 50 फीट की ऊंचाई से गिरने पर उनकी मौत हो जाती थी। कुछ घटनाओं में ब्रिज से एक बार गिरने के बाद भी अगर कुत्ता किसी तरह बच जाता तो वे वापस दोबारा ब्रिज से कूदकर जान देते था। लगातार कुत्तों की आत्महत्या करने के बाद ब्रिज पर चेतावनी भरा बोर्ड आखिरकार लगाया हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जितने भी कुत्तों ने आत्महत्या की है वे सभी रहस्यमय थे। ओटन ब्रिज में एक ही तरफ से की गई थी और एक खास स्पॉट से की गई थी। ऐसा क्या रहस्य है पत्थर के इस ब्रिज में जो इन कुत्तों को जान देने पर मजबूर कर देता है? आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ब्रिज पर बुरी शक्तियों का साया है। 1994 में एक आदमी ने अपने बच्चे को ओटन ब्रिज से नीचे फेंक दिया और बताया कि वह बच्चा एंटी क्राइस्ट है, और कुछ महीनों बाद उस इंसान ने भी उसी ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। एक और थ्योरी के अनुसार ओटन ब्रिज ऐसी जगह है जहां जिंदा और मृत लोगों की दुनिया मिलती है और कई बार कुछ शक्तियां क्रॉस भी हो जाती है। इन्हीं के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ने से कुत्ते वहां से कूद जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। माना तो यह भी जाता है कि कुत्ते न दिखने वाली चीजों को बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं। इन सभी घटनाओं के मद्देनजर इस ब्रिज पर बोर्ड लगाकर अपने कुत्तों को ब्रिज पर सावधानी से रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब यहां बहुत सारे सवाल जैसे कि तैसे हैं। केवल कुत्ते ही क्यों? क्योंकि कुत्तों की छठी इंद्रिय उन्हें वहां ऐसा करवाने के लिए मजबूर करती है। तो कितनी है इसमें सच्चाई? ये अभी भी एक रहस्य है। खैर जो भी हो, वीडियो के बारे में बताना जरूर। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद।